सो हे एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड आई होप लर्निंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो? क्या हाल चाल है? बाकी सब बच्चे कहाँ रह गए? क्या करने में रह गए बाकी सब? लेट मी शेयर माई क्लास एक बारी और, जिससे जो बच्चे हमारे रह गए हैं, मतलब जो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, वो भी समय से ज्वाइन कर लें, उनका भी कुछ भी ना छूटे। और जैसे कि मैंने बोला था कि आज रात को 9 बजे एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं करूँगा, तो वो वाली अनाउंसमेंट भी हमारी हो जाएगी, है ना। और आपका तो प्रीलिम्स आने वाला है आप सबका। सो हाउ आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? बताओ कुछ मुझे। हाय क्षितिज, हाय डॉक्टर पवन, नहीं 10 PM वाली क्लास नहीं है। हाय आशा, हाय साहिल, हाय राखी, हाय महवास, हाय कपिलेंद्र, हाउ आर यू? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है? वेलकम टू द सेशन। हाय गौरी, सुविज्ञा, जॉन, हेलो। हेलो, अच्छा कि ऐड आ रहा है। ओके, डर लग रहा है। अच्छा देखो भाई, डर के आगे तो जीत है और प्रीलिम्स के आगे मेंस है, तो इसलिए टेंशन मत लो। अभी प्रीलिम्स की तैयारी करो, एकदम बढ़िया तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को दो और फिर मेंस की तैयारी में जुड़ जाओ, ठीक है। आई नो टेंशन होती है ना, टेंशन होनी भी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम है, है ना। तो ये हमारा रिवीजन का सेशन नंबर 15, क्योंकि बीच के 2 सेशन हम लोगों ने स्पेशल क्लास में भी कंडक्ट किए थे। UPSC CSE के नए बैचेस 22nd of September से लॉन्च हो रहे हैं। याद रखना, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द डिस्काउंट कोड जो कि नीचे एक बार में आ रहा है, नीचे एक बार चल रही होगी उसके अंदर आ रहा होगा एक डिस्काउंट कोड, ठीक है। डिस्काउंट कोड है AMS Live, ये है डिस्काउंट कोड। इस डिस्काउंट कोड का करो इस्तेमाल, पाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। 1 year बैचेज आ रहे हैं, 2022 बैचेज आ रहे हैं, 2 year बैचेज आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैचेज आर देयर। लर्नर्स जनरी 2023 बैच आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कवर्ड बाय मी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इफ यू आर गोइंग फॉर एन अकेडमीज प्लस। आपका करंट अफेयर और साइंस एंड टेक दोनों मैं एकदम करवा दूंगा मजबूत। और ये वाला फीचर तो वन ऑफ माय फेवरेट फीचर है, द रेज हैंड फीचर। ओके, लाइव मेंटरिंग आपको मिल रही है, LMP प्रोग्राम चल रहे हैं, वेयर वन ऑन वन पर्सनल कोचिंग मिल रही है आपको, डाउट रिजोल्यूशन मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज का इवेल्यूएशन हो रहा है, डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं हम लोग, स्टडी बूस्टर सेशंस हो रहे हैं ना। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। नाउ अभी आप लोग मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि आ रहा है आपका प्रीलिम्स, क्योंकि आ रहा है आपका प्रीलिम्स, इसलिए फ्रॉम दिस थर्सडे, इसका मतलब फ्रॉम 23rd of September आई एम लॉन्चिंग आ 10 class series, सिर्फ 10 class की सीरीज है, ओनली 10 class series, जिसके अंदर वी विल बी कवरिंग 10 to 12 topics फ्रॉम बेसिक्स। करंट अफेयर्स हम लोगों ने बहुत कर लिए और बाकी इस बार ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसके अंदर भी हम लोग करेंगे 10 से 12 topics हम लोग बेसिक्स के डेली करेंगे। इसका मतलब है 10 days में ऑन एन अप्रॉक्स 120 आपके टॉपिक्स मैं कवर ऑन करूँगा, और ये 120 टॉपिक्स विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेली हर सब्जेक्ट से 2 topics हम लोग कवर अप करेंगे और 2 topics मिसलेनियस।
सिर्फ 10 दिन की सीरीज चलेगी है। 1 आवर से लेकर 1.5 आवर के बीच में हम लोग डेली करेंगे। 23rd of September याद रखना से ये सीरीज स्टार्ट होगी। इसके बारे में जितनी भी अपडेट है इस सीरीज के बारे में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको सर्च करना है अमन शर्मा SPL। टेलीग्राम पे और आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। इसकी पूरी डिटेल विद चार्ट किस दिन क्या होगा और पहले दिन कौन कौन से टॉपिक होंगे। 2 टॉपिक हिस्ट्री के कौन से होंगे, 2 टॉपिक ज्योग्राफी के कौन से होंगे, 2 टॉपिक इकोनॉमिक्स के कौन से होंगे, उनकी भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये 1 in a lifetime आपके लिए एक ऐसी सीरीज आ रही है और ऐसी सीरीज आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी। ठीक है, 10 क्लास की सीरीज। वैसे भी आपका रिविजन चल रहा है, आपको एक मौका मिलेगा 120 से ज़्यादा टॉपिक्स को रिवाइज करने का। सो डोंट वरी, इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम माय साइड गाइस। खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और PEC की PDF, सबकी PDF इस अमन शर्मा SPL पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी PDF आपको इस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए जल्दी से बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज, रेज योर हैंड। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज, इट्स वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। ओके वेदांत, पढ़ाई तो भाई बोरिंग लगती है, काम की चीज़ दुनिया में सबको बोरिंग लगती है ना। अभी कोई खेल कूद करने को बोले, मूवी देखने को बोले, सबको मज़ेदार लगता है, आई नो, है ना। सो इट्स ओके इफ़ यू फील बोरिंग। सो लेट्स क्रैक इट, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमें सबसे पहले न्यू IT रूल्स से स्टार्ट करना है। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू IT रूल्स। भारत सरकार ने नए IT रूल्स निकाले, द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021। अब ये जो नए रूल्स थे ये हम लोग लाए क्यों? ये हम लोग बेसिकली इसलिए लेकर आए क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट, वायलेंट कंटेंट, इमोरल कंटेंट काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसी पोस्ट होने लगी थी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को डिफेम कर रही थी। इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि हमारे देश में IT रूल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग नए IT रूल्स 2021 लेकर आए। वी वॉट न्यू IT रूल्स 2021 जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब ये जो रूल्स हैं ये बनाए कैसे गए? दीज रूल्स वर मेड अंडर द सेक्शन नंबर 87 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। दे वर मेड अंडर द IT एक्ट ऑफ 2000। इससे पहले हमारे पास जो IT एक्ट 2011 है उसकी कुछ गाइडलाइंस वर्क करती थी, बट गाइज दीज गाइडलाइंस वर नॉट फॉर द OTT प्लेटफॉर्म। इसीलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि OTT प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे कैटर करें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करें टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑल दी इमेजेस रिलेटेड टू इट, वीडियो और साइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सबको हटाया जाए। इसीलिए राज्यसभा के अंदर एक एडहॉक कमेटी बनाई गई। एक और सवाल गाइस, व्हाट इज दिस एडहॉक कमेटी? एडहॉक कमेटी मतलब जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो। और सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सरकार ने जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म पे होती थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डाल दिया। अब OTT वाला जो सेक्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वर्क करता है। ठीक है, इसके साथ साथ, अरे हाँ भाई, इस सीरीज की अगर प्लेलिस्ट किसी को देखनी हो, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा होगा #currentaffairsrevision, उस पर क्लिक करना, आपको मेरी पूरी सीरीज मिल जाएगी।
ठीक है। अब मत पूछना कि प्लेलिस्ट कहाँ है, प्लेलिस्ट भी है बट अगर नहीं मिले तो वहाँ पे देख लेना। तो सबसे पहले नई गाइडलाइंस है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर। क्या क्या इन्होंने, इन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में डिवाइड कर दिया। हाँ भाई कौन बताएगा, सो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी में कितने अमाउंट ऑफ यूजर से ज्यादा होने चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की कैटेगरी के अंदर आए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे मैसेज करके। हाँ जी 5 मिलियन, 5 मिलियन इक्वल्स टू लाइक 50 लाख। जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर बेस है वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है। अब इसके अंदर एक प्रिंसिपल आता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस का प्रिंसिपल, ड्यू डिलिजेंस। नाउ गाइज ये जो शब्द है डिलिजेंस, इसका मतलब क्या होता है, देखो डिलिजेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि किसी ड्यूटीज को फॉलो करे। दिस वर्ड डिलिजेंट मीन्स जो व्यक्ति ड्यूटीज फॉलो करे। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो भी ड्यूटीज इंटरमीडियरीज को दी गई हैं, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है वो उनको फॉलो करे। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं कर पाता, मतलब भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को वो व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता, तो उनके ऊपर सेफ हार्बर वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। सो व्हाट इज सेफ हार्बर प्रिंसिपल, ये सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या होता है, सेफ हार्बर प्रिंसिपल को हम लोगों ने डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर। क्या कहता है सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 79 आईटी एक्ट का ये कहता है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत कंटेंट आ जाता है। तो अगर किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के प्लेटफॉर्म पे, मान लो फेसबुक है ट्विटर है, उसके प्लेटफॉर्म पे एक गलत कंटेंट आ गया तो उसके लिए फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए जो पार्टी होगी जिस व्यक्ति ने जो ओरिजिनेटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड। पर ये कब मिलेगी, जब आप ड्यू डिलीजेंस फॉलो करोगे। आपको याद होगा ट्विटर ने ग्रेवियंस ऑफिसर रिक्रूट नहीं किया था, इसलिए सरकार ने बोल दिया कि आपको ड्यू डिलीजेंस का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मैंडेटरी किया गया, बोला गया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं दे विल अपॉइंट ग्रेवियंस ऑफिसर, दे विल अपॉइंट ग्रेवियंस ऑफिसर जो कि सॉल्व करेंगे चीजों को। दिस ग्रेवियंस ऑफिसर शैल एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्व इट विद इन 15 डेज फ्रॉम इट्स रिसीट। ओके, इसके साथ साथ अगर इंटरमीडियरी के पास कोई कंप्लेंट आती है तो वह 24 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा देगा, अपने उस कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। तो मतलब ग्रेवियंस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेंट को अप्रूव करेगा और विद इन 15 डेज उसको उसकी रिसीट देनी पड़ेगी, मतलब उसको क्लियर करना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को हटाना पड़ेगा। कंप्लेंट इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है या कोई और व्यक्ति भी किसी और व्यक्ति की तरफ से कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ ये बोला गया कि आपको एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर बिठाना है, आपको एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बिठाना है, एक रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर बिठाना है, ऑल ऑफ होम शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये जितने भी लोग होंगे ये भारत के रेजिडेंट होंगे, भारत के अंदर रहने वाले होने चाहिए। इनको मंथली कंप्लाइंट रिपोर्ट देनी होगी, दे मस्ट गिव मंथली कंप्लाइंट रिपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अनेबलिंग दी आइडेंटिटी ऑफ दी ओरिजिनेटर, जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होंगे दे विल प्रोवाइड सर्विसेज प्राइमरीली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग शैल अनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द
इंफॉर्मेशन भाई, जो ओरिजिनेट कर रहा है इंफॉर्मेशन उसकी जानकारी ये हमें देंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ओके okay? और दे आर रिक्वायर्ड कि ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन दे सिर्फ उस केस में अगर कोई ऑफेंस हमारे देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, भारत की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रिलेशन में पकड़ा जाता है, मतलब कोई भी गलत काम करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इसके बारे में बोला गया। इंटरमीडियरीज एक्चुअल नॉलेज के ऊपर एक्ट करेंगे और कोई भी ऐसी फेक न्यूज को होस्ट नहीं करेंगे जो कि भारत सरकार के खिलाफ हो। जो न्यूज पब्लिशर्स हैं और जो OTT प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनको बोला गया कि आप लोग क्लासिफाई करोगे। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो उसमें क्लासिफिकेशन होता है ना कि ये यूनिवर्सल है, सब लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट है, 7 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे देख सकते हैं, 13 साल की उम्र से ज़्यादा के देख सकते हैं, 16 से ज़्यादा के देख सकते हैं, ये एडल्ट देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पेरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज 13+, तो पेरेंटल लॉक दोगे आप लोग, ठीक है, डिस्प्ले करोगे रेटिंग को। इसके साथ साथ बोला गया कि आपको जो भी जर्नलिस्ट कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, अगर आप डिजिटल मीडिया पब्लिशर हो तो आपको फॉलो करने हैं। आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म 3 लेवल पे बनाना है, यू मस्ट हैव 3 लेवल। फर्स्ट लेवल के अंदर सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, पब्लिशर अपने पास ही करेगा। दूसरे के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाएगा। तीसरे के अंदर ओवरसाइट मैकेनिज्म, जिसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ IB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैंडल करेगा, ठीक है। पब्लिशर 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेगा, तो पब्लिशर यहाँ पर ग्रेवियस रिड्रेसल ऑफिसर जो बिठा रहे हैं वो इसमें एक्शन लेंगे। इनसे मान लो 15 दिन में काम नहीं हुआ तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी द्वारा, ठीक है, और उसके अंदर रिटायर्ड जजेस होंगे जो कि एक्शन लेंगे। इस बॉडी को रजिस्टर कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ IB के पास, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास, और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ओवरसाइट मैकेनिज्म करेगा। क्लियर एवरीवन? सबको ये वाला टॉपिक क्लियर है? जल्दी से बता दो यार, ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अगर आप मुझे जल्दी से नहीं बताओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, चलो सबको क्लियर है, और क्या चाहिए हमें? मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। नीति आयोग के पास एक डिस्कशन पेपर आया, उसने रिकमेंड किया कि NFSA को जो कवरेज है NFSA का, उसको 60% कर देना चाहिए, करेंटली 40% है। अब NFSA एक सिंपल टॉपिक है, बट इससे डायरेक्टली सवाल आ सकता है, इससे सिंपल सवाल आ सकता है। NFSA क्या है? NFSA वॉज नोटिफाइड ऑन 10th of September 2013। मेन मकसद था फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना हर एक ह्यूमन बीइंग को, क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराना अफोर्डेबल प्राइसेस पे, to provide quality food at affordable prices। अब इसके अंदर कवरेज रखा गया कि हम लोग 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवर अप कर देंगे और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कवर अप कर देंगे। ओवरऑल NFSA 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को कवर अप करता है, ओके, दिस इज द कवरेज ऑफ NFSA 2013, जिसके बारे में बात की गई। अब अगर हम लोग देखें इसके अंदर, सॉरी, ये कह रहे हैं कि इसको रिवाइज किया जाए 60% एंड 40% रूरल एरिया और अर्बन एरिया के,
ठीक है, वी मस्ट रिवाइज इट, हम लोग इसको रिवाइज करें। ओके, एलिजिबिलिटी यही होती है एनएफएसए के अंदर कि प्रायोरिटी हाउसहोल्ड इसके अंदर कवर्ड होंगे, अंत्योदय अन्न योजना, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन यहाँ पर मिलेंगे, एग्जिस्टिंग AAY जो होल्डर्स होंगे, हाउस होल्डर्स होंगे, दे विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ, मील और मेटर्निटी बेनिफिट 6,000 रुपये के मिलेंगे, 14 ईयर्स के बच्चों तक मील्स मिलेंगी, मतलब भाई मिड डे मील वाला सिस्टम, फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेंगे अगर किसी भी समय पर मिड डे मील डिलीवर नहीं हो पाती है, और एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किया जाएगा। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.37 करोड़ या 9.01 करोड़ पर्सन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एज पर फेबररी 2021। रूरल अर्बन कवरेज रेशियो अभी भी कम है, बट 67% ऑफ द पॉपुलेशन वी आर कवरिंग। ठीक है, एनएफएसए के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, एमएसपी का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में अंदर कवर अप कर चुके हैं, दैट व्हाट इज एमएसपी। एक और टॉपिक जो हम लोग आज कवर अप करेंगे वो है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस एफपीओ? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की लीगल एंटिटी है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाते हैं, प्राइमरी मतलब जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में ग्रुपिंग फॉर्म कर रहे हैं, दे फॉर्मिंग अ ग्रुप, जैसे फार्मर्स ने बना लिया इसको लिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फिशरमैन ने बना लिया तो फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्राफ्ट्समैन ने बना लिया तो क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो पीओ मतलब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का जेनेरिक नेम है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ जेनेरिक नेम। ठीक है, पीओ कैन बी अ प्रोडक्शन कंपनी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी लीगल फॉर्म हो सकती है जो कि प्रॉफिट या बेनिफिट के लिए एक साथ आए हैं। तो ये जो हमारे फार्मर्स हैं जब वो एक साथ आए तो उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कलेक्टिवली यहाँ पर इनके अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आए, ठीक है, मेन इनका मकसद था टू एड्रेस मेनी चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एफपीओ इज अ टाइप ऑफ पीओ जहाँ पर फार्मर्स मेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिसोर्स एजेंसीज को प्रमोट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और जो एसएफएसी है स्मॉल फार्मर्स एग्रो बिजनेस कंसर्टियम है, इट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एफपीओस। अब इन जो एफपीओस हैं इनको पैसे भी लोन पे मिल जाते हैं, फ्रॉम हुम? फ्रॉम नबार्ड। ओके, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट टॉपिक, पर्पल रिवोल्यूशन अंडर अरोमा मिशन। अब ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है और अरोमा मिशन क्या है। पर्पल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद लेवेंडर, पर्पल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद लेवेंडर कल्टीवेशन। पांच सौ फार्मर्स हैं, उनकी इनकम क्वाड्रपल हो गई है, मतलब 4 गुना बढ़ गई है। पहले वो लोग मेज प्रोड्यूस करते थे, अब वो लोग लेवेंडर प्रोड्यूस करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, पहले वो मेज प्रोड्यूस करते थे, अब लेवेंडर प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बड़ी चीज है, इसलिए बोला गया है पर्पल रिवॉल्यूशन। इट वॉज पॉसिबल अंडर ड्यू टू द इनिशिएटिव टेकन अंडर अरोमा मिशन। कौन से मिशन के अंदर? अरोमा मिशन के अंदर। नाउ पर्पल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट टाइम फार्मर्स वर गिवन फ्री लेवेंडर सैम्पलिंग एंड दोज हु हैव कल्टीवेटेड लेवेंडर बिफोर वर चार्ज्ड 5-6% सैम्पलिंग। अब पहली बार फ्री लेवेंडर की सैम्पलिंग दी गई और एरोमेटिक क्रॉप, इसलिए इसको अरोमा मिशन कहा जा रहा है, जिससे एग्रो इकोनॉमी और भी ज़्यादा बेहतर हो। अब लोग मेज से यहाँ पर पर्पल रिवॉल्यूशन में अरोमा मिशन के अंदर मूव ऑन कर रहे हैं। अब इससे क्या मिलता है? लेवेंडर ऑयल मिलता है, ठीक है, वी फाइंड लेवेंडर ऑयल के, जो कि कम से कम 10,000 रुपये पर लीटर पे बिकता है। लेवेंडर वाटर जो कि लेवेंडर ऑयल से अलग होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, वो अगरबत्ती के अंदर, इंसेंस स्टिक्स के अंदर। हाइड्रोजोल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लावर, उसका इस्तेमाल सोप्स बनाने में
रूम रिफ्रेशर्स बनाने में किया जाता है। तो CSIR और IIIM जम्मू, ये दो बॉडीज हैं जो कि असलियत में अरोमा मिशन के अंदर काम कर रही हैं। इससे फार्मर्स की इनकम तो डबल हो ही रही है और लेवेंडर कल्टीवेशन से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जम्मू वाले रीजन के अंदर भी बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए एक बढ़िया सवाल यह है कि अरोमा मिशन स्टार्ट किसने किया है, तो ये स्टार्ट किया है CSIR, दिस इज स्टार्टेड बाय CSIR। इट इज एनविसेज टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द अरोमा सेक्टर थ्रू डिजायर्ड इंटरवेंशन। मिशन प्रमोट करता है जिससे एरोमेटिक क्रॉप्स जिनसे ऑयल्स निकलते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन हो, जिससे इंडियन फार्मर्स ज़्यादा बेटर काम करें, अरोमा इंडस्ट्री काम करें। एंड इट बिकेम ग्लोबल लीडर इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ सम अदर असेंशियल ऑयल ऑन द पैटर्न ऑफ मेंथॉल मिंट। ठीक है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलो मूविंग ऑन, ये वाला इलाका बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है भाई इस बार न्यूज़ में, लोकेशन इन न्यूज़ में, इससे सवाल आ सकता है। इसका नाम है गोलन हाइट। कोई भी कलर इसके ऊपर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका नाम है गोलन हाइट। ओके, तो गोलन हाइट क्या है? गोलन हाइट एक रॉकी प्लेटू है। असलियत में ये जो गोलन हाइट वाला इलाका है, ये आप यहाँ पे देखो, ये वैसे सीरिया का पार्ट है। इवन यूनाइटेड नेशन भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये सीरिया का पार्ट है, पर यहाँ पर इसराइल इज नॉट लीविंग गोलन हाइट, बिकॉज गोलन हाइट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए गोलन हाइट को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, अब गोलन हाइट के पास एक सी देखोगे, बेसिकली उसका नाम सी है, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ सी, इट्स अ लेक, सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली। और नीचे भी आप सी देखोगे जिसका नाम है डेड सी। ओके, तो ये गोलन हाइट बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, लेबनान टच करता है, सीरिया टच करता है, इसराइल टच करता है। ओके, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 1967 के अंदर जो ये वॉर हुई थी उसके बाद सीरिया से कैप्चर कर लिया था और इस पूरी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया 1981 में। USA ने ऑफिशियली जेरूसलेम को और गोलन को इसराइल के पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग दोगे, एक एग्रीमेंट का नाम बताओ जो इसराइल बहराइन और UAE जैसे देशों के साथ कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, जल्दी बताओ। अब्राहम अकॉर्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, रिट पिटीशन फाइल हुई थी इसी साल के मार्च में, हम लोग मार्च पे आ गए हैं। एक रिट पिटीशन साइन हुई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर CBI डायरेक्टर। CBI डायरेक्टर की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी थी। CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द सेक्शन ऑफ 4A, एज पर द सेक्शन नंबर 4A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। अपने लिए UPSC रिलेवेंट है CBI के डायरेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर। डायरेक्टर ऑफ CBI की अपॉइंटमेंट एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर होती है। CVC एक्ट 2003 के इनैक्टमेंट के बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की जो पावर थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, जिससे इन्वेस्टिगेशन जो हो किसी भी ऑफेंस की अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो अच्छे से की जा सके, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर थी। तो असलियत में जो सबसे पहले CBI को बनाया गया था उसका मेन कारण ही ये था कि वो सिर्फ करप्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकें।
बाद में वो अपने आप को इवॉल्व कर पाई। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं दे वर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर, 2 साल के टेन्योर की उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई बाय सीबीसी एक्ट ऑफ 2003, 2 साल की अपॉइंटमेंट। अभी रिसेंटली जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर आया था उसने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया और बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। कौन कौन होंगे इसके अंदर? इसके अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करें। तो ये 3 मेंबर बॉडी होगी। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ने कंपोजिशन के अंदर भी इस कमेटी के चेंज कर दिया। ये बोला कि देयर इज नो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। उस समय पर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो लोकसभा में है उसके लीडर यहाँ पर इस कमेटी का पार्ट होंगे। तो अब याद रखना कि अगर यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये लिखा हुआ है तो आपको इसको गलत करना है। अगर लिखा हुआ है लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इसको आपको सही करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको प्रिलिम्स के अंदर याद रखनी है जो आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, सीबीआई वाज सेट अप इन 1963 और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी। मतलब पहले इट वाज वर्किंग लाइक एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक ग्रेवियंस और पेंशन के अंडर आती है और सीबीआई को बनाया गया संथा नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सीबीआई नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है बिकॉज वो अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर करती है बट सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन बॉडी के रूप में काम करती है। खास बात यह है कि जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, उसकी नोडल एजेंसी के रूप में हमारे देश के अंदर भी सीबीआई वर्क करती है। तो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी है उसके रूप में हमारे देश में अगर कोई है तो वो है सीबीआई। क्लियर वो है सीबीआई। चलो, सीएसआईआर का एक मिशन है फ्लोरीकल्चर मिशन और इस मिशन को अब हमारे देश में हर जगह पे इंप्लीमेंट करने का अप्रूवल मिल गया है और इसके लिए सीएसआईआर ने एक सोसाइटल पोर्टल नाम के पोर्टल को भी लॉन्च किया था। नो, वट इज फ्लोरीकल्चर? फ्लोरीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिन प्लांट्स का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है, गार्डन्स हैं जो देखने में खूबसूरत लगे। तो मेन फोकस रहता है यहाँ पर फ्लोरल क्रॉप्स का, सीजनल या एनुअल क्रॉप्स, वाइल्ड ऑर्नामेंट्स, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स हनी बी रेयरिंग के लिए जैसे ग्लोडियलस, कैन, कार्नेशंस, रोज, मैरीगोल्ड, इन सब चीज़ों को ग्रो करना इस फ्लोरिकल्चर मिशन और सीएसआईआर इसको सपोर्ट करता है। प्रोजेक्टेड है कि इंडियन मार्केट 47,200 करोड़ रुपीज़ की हो जाएगी 2024 तक। इसलिए फ्लोरीकल्चर को एक्सपेंड करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। सीएसआईआर के साथ और भी एजेंसीज हैं जो कि फ्लोरीकल्चर मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही हैं जैसे आईसीएआर, केवीआईसी, अपीडॉट, ट्राइफेड, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये हैं बाकी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। जितने भी लोग लेट आए हैं, जिन्हें अपडेट नहीं पता, उनके लिए एक अपडेट ये है कि थर्सडे से 24th of September से आपके लिए मेरी 10-day प्रीलिम स्पेशल सीरीज चालू होने वाली है जिसमें हम लोग डेली 12 बेसिक्स के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, दो दो टॉपिक हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, जिससे आपका बेसिक्स कवर हो जाए। 10 दिन में आपके 120 से ज़्यादा टॉपिक मैं रिवाइज कराऊँगा। 5 क्लासेज आपकी सितंबर में होंगी, 5 क्लासेज अक्टूबर में होंगी, टेंशन फ्री। क्लियर?
ठीक है, गुड। तो डीआरडीओ ने फाइनली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंडक्ट किया। SFDR इज अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम, मिसाइल भेजने वाला सिस्टम, जो कि रामजेट इंजन के प्रिंसिपल पे बनाया गया है। अब रामजेट इंजन, टर्बोजेट इंजन, ये किसी भी तरीके के जो इंजन्स होते हैं इनको हम लोग एयर ब्रीथिंग इंजन्स कहते हैं। दे आर नोन एज एयर ब्रीथिंग इंजन्स। व्हाई दे आर नोन एज एयर ब्रीथिंग इंजन्स, काय को कहते हैं इनको एयर ब्रीथिंग इंजन? क्योंकि जो एयर होती है ये उसको अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं और उसकी वजह से कंबशन करने की कोशिश करते हैं। ये कारण है, दिस इज द रीजन दे आर नोन एज एयर ब्रीथिंग इंजन्स। ठीक है, इसीलिए इनको एयर ब्रीथिंग इंजन कहा जाता है। रामजेट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट, इसीलिए ये थोड़ा लाइट वेट होता है और ये ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। अब SFDR टेक्नोलॉजी से हम लोग इजीली एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर पाएंगे और लॉन्ग रेंजेस तक हम लोग मिसाइल भेज पाएंगे। नाउ एग्जाम रिलेवेंट ये है आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा कि रामजेट में कमी है। रामजेट एयर ब्रीथिंग इंजन है बट रामजेट सुपरसोनिक स्पीड में वर्क करता है, हाइपरसोनिक स्पीड में वर्क नहीं करता। तो हाइपरसोनिक स्पीड में काम कराने के लिए हम लोग जो रामजेट के एक एडवांस्ड वर्जन लेकर आए उसको हम लोग स्क्रैमजेट इंजन के नाम से जानते हैं। दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज स्क्रैमजेट इंजन्स। सो गाइस, दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है बिटवीन रामजेट इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन। रामजेट और स्क्रैमजेट दोनों ही एयर ब्रीथिंग इंजन है। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड में भी वर्क कर सकता है, रामजेट हाइपरसोनिक स्पीड में काम नहीं कर सकता। एक और प्रोग्राम हमारे देश में चलता है IGMDP, APJ अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च किया था, जिससे भारत सेल्फ सफिशियंट हो सके मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इसके अंदर हम लोग, इनका एक्रोनिम है पटना याद करने का, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश और नाग मिसाइल्स हम लोगों ने इसके अंदर लॉन्च किए हैं। सब पढ़ाया हुआ है कि कौन सी किस तरीके की मिसाइल है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, पेंच टाइगर रिजर्व। आर नेक्स्ट टॉपिक इज पेंच टाइगर रिजर्व। जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये है महाराष्ट्र में, ओके, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व पड़ता है। खास बात है जो पेंच रिवर है वो इस पार्क के बिल्कुल मिडल से फ्लो करती है, नॉर्थ टू साउथ। रिजर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। नेशनल पार्क के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, और टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको आइडेंटिफाई किया गया। ओके, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ओके चलो, ये मेजर टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर। जल्दी से एक बार ये फोटो देख लेते हैं, मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, जल्दी से जितने पढ़ सकते हो उतने पढ़ लो। राजा जी, कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि, बुग्जा, मानस, औरैंग, काजीरंगा, नामेरी, पाके, कैमलैंग, नामदफा, नीचे डम्फा, ओके, फिर सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंद्रा, पन्ना, संजय दुबरी, पलमाऊ, ओके, काना, अचानकमर, सतपुरा, पेंच, सुंदरबन, शिमलीपाल, जगह देखते जाओ। ठीक है, मेलघाट, सतकोसी, इंद्रावती, कावल, सह्याद्री, अमराबाद, दांदेली,
भद्रा, नगरहोल, सत्यमंगलम, बंदीपुर, मधुमलई, परम्बिकुलम, अन्नामलई, पेरियार और कक्कड़। क्लियर? क्लियर? ये मार्च प्रीपैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्रीपैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब देखो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर आपको सबसे बस ये प्रीपैक वाला शब्द समझना है। सबसे पहली चीज, यूपीएससी ने डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछती है कि जो प्रीपैक है ये किस चीज से बिलोंग करता है, एंड दे विल राइट फ्यू ऑफ द थिंग्स। तो पता होना चाहिए कि ये प्रीपैक किस चीज से बिलोंग करता है। तो प्रीपैक एक तरीके का एग्रीमेंट है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी, फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। सिंपल क्या है मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लो देयर इज अ फर्म एबीसी लिमिटेड, ठीक है, देयर इज अ फर्म जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब जो ये एबीसी फर्म है हमारी, इसको इसने ले लिया है लोन और ये चुका नहीं पाया, ये रिजॉल्व नहीं कर पाया। अब जब ये रिजॉल्व नहीं कर पाया, आईबीसी के अंदर केस गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर। अब उन्होंने जो चीजों को रिजॉल्व करने का फैसला लिया कि रिजॉल्व ऐसे करेंगे कि यहां पर नए इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स यहां पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये एबीसी कंपनी ग्रो कर सकती है। पर जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये है कि इन्वेस्टर्स आते थे, एबीसी कंपनी को पैसे देते थे, एबीसी कंपनी ग्रो भी नहीं कर पाती थी, क्रेडिटर को पैसे भी नहीं मिल पाते थे। अब जो क्रेडिटर, मतलब ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी समय पर इस कंपनी को उधार में पैसे दिए, कर्जा दिया, पर ये कंपनी उन्हें नहीं चुका पाई, तभी तो इंसॉल्वेंट हुई, तभी तो आईबीसी के अंदर आई। तो अब ये कह रहे हैं कि जब ये कंपनी, जब ये इन्वेस्टर आ रहे हैं तो ये इन्वेस्टर डायरेक्टली क्रेडिटर के साथ एक एग्रीमेंट कर लें जिसको बोलेंगे प्रीपैक एग्रीमेंट, कि जो ये पैसे देंगे सबसे पहले ये पैसे इन क्रेडिटर्स के पास आएंगे, जो पुराना उधार होगा उसको चुकता किया जाएगा। आया समझ में? इतना सबको आया कि नहीं आया ये बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से। सबको आ गया? जब तक बताओगे नहीं जब तक कैसे पता लगेगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये सबको आ गया। इसको बोलते हैं प्रीपैक, ये बहुत पॉपुलर है। एडवांटेज, इसकी वजह से क्विक रिजोल्यूशन हो जाता है, मिनिमाइज डिसेप्शन टू द बिजनेस, ग्रुप रिजोल्यूशन, और भरोसा होता है, कोर्ट्स को भी कम काम करना पड़ता है, ये मेन चीज़ है। चलो मूविंग ऑन। इंडिया की नेवी का थर्ड स्टेल्थ स्कॉर्पिन क्लास प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन है INS खराज, उसको कमीशन कर दिया गया नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर। अपने लिए इंपॉर्टेंट है दो चीज़, प्रोजेक्ट नंबर 75 पहली है। तो वट इज दिस? भारत सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर फैसला लिया कि हम लोग 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाएंगे। सबसे खास बात इन स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की ये है कि इनके पास स्टेल्थ पावर है। स्टेल्थ पावर मतलब ये अपने आप को हाइड कर सकते हैं, इजीली रडार के अंदर डिटेक्ट नहीं होंगे, उसको बोलते हैं कि इनके पास है स्टेल्थ पावर। ठीक है, ये अपने आप को हाइड कर पाएंगे
उनके पास स्टेल्थ की पावर है। तो डीसीएनएस नाम की कंपनी है फ्रांस की, उसके साथ मिलकर बनाने का हम लोगों ने फैसला लिया। इसके अंदर हमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनानी है। कौन कौन सी? यहाँ पर है K3V3, ठीक है, K3V3, ठीक है, कालवेरी, खांडेरी, खरांज, वेला, बगीर, बक्शीर, कालवेरी, खांडेरी, खरांज, वेला, बगीर और बक्शीर। क्लियर? दी इन सबमरीन्स का नाम याद रखना। एक है, एक और प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 75I, मतलब इंडिजीनियस वर्जन। ओके, तो जो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, सारी डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पे वर्क करने वाली सबमरीन्स, दे ऑल वर्क अंडर डीजल प्रोपल्शन सिस्टम। डीजल काम करने से क्या इनको फायदा हुआ है? इनको बार बार सरफेस पे नहीं आना पड़ता, बार बार ऐसे समुद्र के तट पे नहीं आना पड़ता, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सबमरीन्स बना रहे हैं जो कि 300 मीटर की डेप्थ तक जा पाए। नेवी इज लुकिंग टू इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल्स ऑन ऑल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ओके, चलो, दांडी मार्च को 75 ईयर्स हो गए। दांडी मार्च से इस बार सवाल आने के चांसेस पूरे हैं दांडी मार्च से। चलो, 2021 की दांडी मार्च के बारे में बात करें तो पदयात्रा यहाँ पर की गई और प्रधानमंत्री मोदी जी भी साबरमती आश्रम से दांडी तक जगाए। डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु वॉक्ड इन सॉल्ट मार्च विल बी ऑनर्ड। जिन लोगों के पूर्वजों ने सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च के अंदर 1930 में पार्टिसिपेट किया था, उनको ऑनर भी किया गया और बेसिकली मेमोरी के रूप में इसको क्रिएट किया गया, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मॉडर्न इंडिया में दांडी मार्च को कवर करना। इसको सॉल्ट मार्च कहते हैं, दांडी सत्याग्रह कहते हैं। ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था विच वॉज लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी। 12th of March 1930 को ये स्टार्ट हुई थी, 6th of March 1930 में ये फिनिश हुई और बेसिकली इट वॉज अगेंस्ट दी ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो महात्मा गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ ऑन अ 241 माइल मार्च यहाँ पर चले नियर द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी ऑन द अरेबियन सी। देयर गांधी एंड हिज सपोर्टर्स वर डिफाइड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज। और महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे जब अपने हाथ से नमक उठाया, वहाँ पे उन्होंने ब्रेक किया यहाँ पर जो लॉज थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे देश को इम्पैक्ट कर रही है। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में ब्रोक आउट हो गई। और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उस समय पर 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, इवन गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। उसके बाद जो धारसना सॉल्ट वर्क्स है मुंबई में, वहां पे पिकेटिंग कर रही थी, वहाँ पे सरोजनी नायडू जी और महात्मा गांधी जी के बेटे जिनका नाम है मनीलाल गांधी, नाम याद रखना, सरोजनी नायडू और मनीलाल गांधी, ओके, इन दोनों ने यहाँ पर धारसेना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर अटैक किया। इस इंसिडेंट को जो जर्नलिस्ट हैं वेब मिलर, उन्होंने यहाँ पर अपनी किताब के अंदर भी मेंशन किया था।
जनवरी 1931 गांधी जी को रिलीज किया गया, उसके बाद वो लॉर्ड इरविन से मिले और उस समय पे उन्होंने सत्याग्रह को बंद किया इन एक्सचेंज फॉर एन इक्वल नेगोशिएशन रूल एट लंदन कॉन्फ्रेंस, मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और गांधी जी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वो कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जल्दी बताओ। बताओ कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। जल्दी बताओ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। वेरी गुड। 1930 के अंदर लाहौर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1929 में। उस समय पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस का जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया था। ओके और 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे को उस दिन ऑब्जर्व किया गया था। नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था अलग अलग वेन्यू पे, है ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए थे। फरवरी 1930 कांग्रेस कमेटी मिली साबरमती आश्रम में, फुल पावर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का स्टार्ट किया और महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेटम भी दे दिया था यहाँ पर लॉर्ड इरविन को। इफेक्ट ये हुआ था कि ईस्टर्न इंडिया में चौकीदारी टैक्स को रिफ्यूज़ किया गया था, नो टैक्स कैंपेन चलाया गया। बंगाल के अंदर जे एन सेन गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उन्होंने गवर्नमेंट लॉस को डिफाई किया था, फॉरेस्ट लॉस को डिफाई करना हम लोगों ने चालू किया ना, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तरीके की चीज़ें उस समय पर चालू हो गई थी। ठीक है चलो मूविंग ऑन। फ्रांस की पहली स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स, देखो फ्रांस स्पेस में एक्सरसाइज कर रहा है, फ्रांस इज डूइंग एक्सरसाइज इन स्पेस, नाम है एस्टर एक्स। एस्टर एक्स ओके, ये पहली स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज थी फ्रांस की, जिसमें फ्रांस अपनी एबिलिटी देख रहा था कि क्या वो अपनी खुद की सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। एस्टर एक्स नाम याद रख। फ्रांस का मकसद है कि वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्पेस पावर जल्द से जल्द बने। ओके सिमिलर एक्सरसाइज इंडिया ने भी की हुई है, एक है इंड स्पेस एक्स और हम लोगों ने अपनी मिशन शक्ति भी की थी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टैक्स। तो याद रखना जैसे हमारे मिशन शक्ति था वैसा फ्रांस ने एस्टर एक्स किया, इन पॉइंट को याद रखना। ठीक है सेम टू सेम। चलो इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबंग, माउंट सिनाबंग एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि एरप्ट हुआ वहाँ इंडोनेशिया के अंदर। और भी एरप्टेड वोल्केनो हैं जैसे मेरापी है, समीरू है, तो ये तीनों वही हैं, तीनों वही हैं। ठीक है ओके। माउंट सिनाबंग इज लोकेटेड इन कारो रीजेंसी नॉर्थ सुमात्रा के अंदर और ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। नाउ व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, नाउ ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आज आपको कराना है। व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर को हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, इट इज सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोस हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन बेल्ट, फिलिपीन बेल्ट, यूरेशियन बेल्ट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड इवन अंटार्कटिक प्लेट और कुछ ऐसा हिस्सा स्कॉटिया प्लेट का भी लगता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो पूरा रीजन है जो आपको रेड कलर की ये जो लाइन नज़र आ रही है इसके अराउंड इतने सारे वोल्केनोज हैं एंड इट इज़ लाइक अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते ही रहते हैं।
इसके पास यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो 75% अर्थ के वोल्केनोज, मोर देन 450 वोल्केनोज यहाँ पे हैं, और दुनिया में 90% अर्थक्वेक इन जगहों पे आते हैं, याद रखना। हमारा आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्रीलिम्स के लिए। ये भी एक टॉप लेवल टॉपिक है इस बारी का, ध्यान से सुनना इसको। इसके बाद जो अनाउंसमेंट है उसको मैं वापस से एक बारी रिपीट कर दूंगा, अगर जो लोग लेट आए हैं उन्हें एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो छूट गई उनकी आज की, उन्हें वो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो प्ली है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। यह है क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमें उनके रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करना है। 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ उस समय पर जो रिलीजियस जगह जैसी थी उसको वैसा ही माना जाएगा, मतलब जो टेंपल थे उनको टेंपल माना जाएगा, जो मॉस्क थे उनको मॉस्क माना जाएगा, उनके रिलीजियस कैरेक्टर के अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उनके रिलीजियस करेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात की गई। पर एक एक्सेप्शन आया यहां पर, बेसिकली दो एक्सेप्शन आए। पहला एक्सेप्शन था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, ऑल्दो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है अब तो इसको एक्सेप्शन रखा गया। सेक्शन 3 जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो बैन करता है कि किसी भी वर्शिप की प्लेस को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये बात करता है कोई भी सूट्स अपील्स या जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो नहीं लिए जाएंगे, जो 15th of August 1947 तक पेंडिंग है दे विल कम टू एन एंड व्हेन द एक्ट कमेंसेस, कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग फाइल नहीं होगी। हाउएवर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, लाइक आफ्टर दी कट ऑफ डेट। ठीक है, एक्ट ऑल्सो इम्पोजेस पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट कि स्टेट रिलीजियस करेक्टर मेंटेन करेगा, तो ये स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन थी, जैसे हमारे DPSPs हैं। अब इसके अंदर जो अयोध्या है उसको एग्जम्प्ट किया गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रायल चल रहा था। इसके साथ साथ जो भी एंशियंट या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं या आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर कवर्ड हैं, जो इनके अंदर कवर्ड हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया, जो कि एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको, जो डिस्प्यूटेड हैं उनको इससे बाहर रखा गया। इनके अंदर कोई भी डिस्प्यूट फाइल किया जा सकता है या उसको सेटल किया जा सकता है। तो दो चीज़ों का एग्जम्पशन है, एक अयोध्या और दूसरा जो चीज़ें एंशियंट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है इसको कवर अप किया गया। ओके, सो दिस वॉज द थिंग। चलो, अपनी जो अगला यूट्यूब सेशन होगा वेनेसडे को, उसमें हम लोग रमन थर्मोमेट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ चीज़ें बोली थी, मैं इस क्लास में भी आपसे ज़रा दो मिनट बात करूँगा। गाइस, डू लिसन टू द थिंग आई एम सेइंग टू यू, ऐसे ज़्यादा बेटर है, पीछे रिपीट हो रहा है। तो बात यह है, मैं आपके लिए प्रीलिम्स 2021 के लिए एक स्पेशल 10-day सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। एक दिन में हम लोग लगभग 10-12 बेसिक्स के टॉपिक कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट हो गए ना, पार्लियामेंट हो गए, इकोनॉमिक्स में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बजट हो गया, साइंस में आपका इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो गया, या सेल्स हो गए, जिनसे सवाल आते हैं उनके हम लोग 12 टॉपिक डेली कवर करेंगे। थर्सडे से स्पेशल क्लास होगी रात को 10 बजे, डेली रात को 10 बजे होगी। जिस भी दिन छुट्टी होगी आपको पता लग जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पूरी की पूरी एक चार्ट ले पाएंगे, कल सुबह आपको वो चार्ट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जहाँ पे चाहो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
So love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead.